कोई बात नहीं है, बायां हाथ भी ऊपर रख सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और अपना अपना रियाज होता है, एक एक करके छोड़ना है। यानी एक एक करके छोड़े सारे गामा, इसमें लीकेज नहीं करना चाहिए, अगर लीकेज किया तो आवाज फट जाएगा। बहुत सारे लोग जो है कि फूक नहीं पाते हैं, इस तरह से बजाते हैं, बज नहीं पाता है उनका। ये सेंटर है इसका, बांसुरी का सुराग का जो कोर होता है, आपका ये ओंठ का कोर, दोनों एकदम सामने आएगा तब बजेगा, हल्का फूकेंगे बजेगा। उसके बाद में तीन उंगली लगा देंगे तब फूकेंगे, ये सा हो गया, एक छोरे गहरे होगा, इस तरह से तीनों छूट जाएगा। अब प बजाना है तो सबको बंद कर दिए, हल्का फूकेंगे प होगा, थोड़ा तेज इसमें प में जो थोड़ा सा तेज फूकना पड़ता है। अब ध छोड़ेंगे तो नीचे से एक एक करके छोड़ेंगे, ये तीन छूट गया, फिर इसको तीनों को एक एक करके बंद करेंगे। फिर ऊपर का तीन छोड़ देंगे एक एक करके, और नीचे का तीन हटा देंगे, इस तरह से बजाइए, आराम से सीखिएगा। ये देखिए इसी को फास्ट करेंगे, ये क्या है, ये हाथ बैठ गया। फिर उसके बाद में आप ये देखिए, फिर इसको ये बैठ गया, फिर उसके बाद में आप हरकत करेंगे, ये स्वर में आ गया, आप अपने आप सीखेंगे। ये जो है बजाते सीख जाएंगे, नहीं होता है तो आपके शहर में आपके अगल बगल कोई गुरु है उनसे संपर्क कीजिए, वो सिखलाएंगे आपको।